आज नई दिल्ली या कहें दिल्ली नगर निगम में दूसरी बार मेयर का चुनाव हुआ। 4 दिसंबर जब से चुनाव हुआ था, सबके सामने है कि आम आदमी पार्टी दिल्ली नगर निगम के चुनाव में विजय रही। भारतीय जनता पार्टी का 15 साल का शासन खत्म हुआ, मगर 4 दिसंबर से आज तक भारतीय जनता पार्टी ये बात कहती आ रही है कि मेयर तो हम बनाएंगे। कल तक भी भारतीय जनता पार्टी कह रही थी मेजॉरिटी आम आदमी पार्टी के पास है, मगर मेयर भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। हालांकि ये सबके लिए स्पष्ट है कि उनके पास नंबर नहीं है, मगर आखिरी मौके पे उन्होंने अपनी तरफ से एक मेयर की कैंडिडेट का नामांकन कराया। सवाल हुआ क्यों कराया, इसी जगह 3 दिन पुरानी बात है, उससे पूछा गया कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि हमारे पास नंबर्स हैं, आम आदमी पार्टी के कई पार्षद भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट डालेंगे, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी जोड़ तोड़ के अंदर लगी हुई है। पिछले मेयर से चुनाव से पहले भी वो जोड़ तोड़ में लगे रहे, हमने कई बार आके मीडिया को बताया, और आज चुनाव से पहले जिस तरीके से चुनाव से भागे हैं, सरेंडर करके भागे हैं, इससे पता चलता है भारतीय जनता पार्टी के घर में कुछ गड़बड़ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि 104 भी वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं पड़ने वाले थे और सारी दिल्ली के सामने भारतीय जनता पार्टी की पोल खुलने वाली थी और इस डर से भारतीय जनता पार्टी ने सरेंडर कर दिया। या तो लड़ते नहीं और लड़ रहे तो युद्ध से भागते नहीं, ये कैसी बात हुई? लड़ाई भी करेंगे, युद्ध भी करेंगे, बोल रहे हम जीतेंगे और फिर युद्ध से भाग गए, तो बहुत शर्म की बात है। मुझे लगता है ये तो भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली ने, दिल्ली इकाई ने पूरी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय इकाई की नाक कटवा दी आज।